टाइसन। वेदर बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे दुबई में आ गए। मजा आ रहा है, इतनी जोर से यहाँ पे हवा चल रही है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्लॉग में। तो ये जो ब्लॉग होने वाला है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक गांव में, वहाँ पे एक फंक्शन है, तो वो फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं हम। जो यहाँ से हमारे घर से, मतलब मेरे नानी के घर से भी देखा जाए तो वो 36 किलोमीटर, हाँ इतना डिस्टेंस है। और वहाँ हम जाएंगे स्टैंडर्ड 350 से, मतलब जो मेरे कज़न की बाइक है उससे, और उस पर हम पहले यहाँ से 3 जने जाएंगे, फिर एक कज़न के घर जाएंगे, फिर वहाँ से 2 बाइक पे हम 4 लोग डिवाइड होके जाएंगे। तो चलो चलते हैं, बट यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े हैं, वो वेट कर रहे हैं। आप बोलो क्या बोल रहे हैं? आपके बड़े फैन हैं। इतनी खुशी। तो इन्होंने पहले कहा कि आपके बहुत बड़े फैन हैं, फिर उसके बाद बोलते कि 10 रुपये की बॉल दिला दो। वाह, चलो हमारी सवारी तैयार है। जो राइडर है हमारा, ड्राइवर जो है वो है करवा। अरे हट जा, क्या कर रही है? रुक जाओ, मैं गिरूंगा इसे भाई। तू पीछे बैठ यार, तू पकड़ के बैठ जाएगा, मैं फोन से ब्लॉग भी बनाऊंगा। इस पर पीछे पकड़ने का कुछ भी नहीं है, मैं गिरूंगा तो मैं पीछे बैठता हूँ अभी। हाँ चलो बाय। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बढ़िया बात यही है, हाँ, क्योंकि जो धूप है वो नहीं है, अभी बादल हो चुके हैं आसमान में। टाइसन, बस बस बाय, चलो अभी हम जा रहे हैं। और अभी हम रास्ते में, और आप यहाँ का एक बार नज़ारा देखो, और अभी हम जाएंगे टनल के अंदर से, तो अभी टनल का भी मैं दिखाता हूँ आपको व्यू। बाकी ये पहाड़ देखो और ऊपर जो बादल हो रहे हैं वो देखो। वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मौसम हो रहा है, तो बाइक पे घूमने में मज़ा भी आ रहा है। तो अभी पी रहे हैं हम जूस, और ये इसलिए नहीं पी रहे मूंछों में लग जाएगा। हाँ पीना अच्छे से, बड़ी सी प्लेक। अब दिखा ना, थोड़ी थोड़ी लगी, साइड से दिख नहीं रही हो। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बहुत लंबे ट्रैवल के बाद गांव में। अब यहां गांव में मतलब गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि हम जिस लोकेशन पे आए ना उसकी हाइट ज़्यादा है, और विंड नॉइज़ तो आप सुन ही रहे होंगे, क्योंकि यहां हवा भी बहुत ज़ोर से चल रही है। एक बार नज़ारा मैं दिखा देता हूं, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे दुबई में आ गए। तो यहाँ पर मिट्टी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, और ये जो मिट्टी है एकदम मतलब पैर रखते ही से धंस रहा है अंदर, ये देखो। तो यहाँ पे अभी इस लोकेशन पे आए हम, लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इन्जॉय कर रहे हैं अभी। उधर देखो हमारे 3 लोग वहाँ पर भी है, वो भी अभी कुछ तो शूट कर ही रहे हैं, और मैं भी ट्राई करता हूँ कि यहाँ के सिनेमेटिक्स शूट करके दूँ आपको। बाकी अभी शाम हो गई है, लाइट इतनी अच्छी नहीं है, स्टिल ट्राई करेंगे कुछ अच्छा सा रिकॉर्ड हो के अगर सिनेमेटिक मिल जाए तो। और जैसे पैर रख रहे वैसे पैर धंसते जा रहे हैं, ये देखो ये कुछ सिनेमेटिक्स बना रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम भी शूज़ खोल के जाते हैं, बट एक चीज़ देखो पहले, गैस करो क्या है और कमेंट सेक्शन में बताना। शूज़ खोल के जा रहे हैं और वहाँ एंजॉय करना है, लेट्स गो। तो यहाँ पे आइए माउंटेन ड्यू हमारे लिए, और यहाँ ऑलरेडी एक व्लॉग चल रहा है और हमारा भी व्लॉग चल रहा है। तो गाइस ऐसा फील आ रहा है, ओह मैं लिटरली देखो मेरा पैर फिसला और इतना अंदर धंस चुका है अभी, देखो। मुझे पता नहीं था, मैं पीछे पैर रखा और ऐसा स्लिप हो गया और ये धंस गया। चलो बाकी ऐसा फील आ रहा है कि जैसे हम दुबई के रेगिस्तान में आ गए, वो यही बोल रहा है कि हम दुबई आ गए। को एग्जैक्ट जो लोकेशन पॉइंट है वो बता नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद पहली बार आया हूँ यहाँ पे, और मैं इस एरिया को जानता भी नहीं हूँ कि किस गांव में है और कहाँ पे है। बाकी मतलब मज़ा बहुत आ रहा है, स्पेशली जो मज़ा आ रहा है वो आ रहा है हवा के साथ, क्योंकि हवा बहुत ज़ोर से चल रही है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चल रही है। अब ऐसी हवा में ऐसी जगह पर कोल्ड ड्रिंक और आ चुकी है, मज़ा आ रहा है, लिटरली मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो कोल्ड ड्रिंक आ गई, अभी पीते हैं, इंजॉय करते हैं जगह लोकेशन। गाइस आप हवा का अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वीडियो देख के, क्लिप देख के, कि मेरे कपड़े कितने ज़ोर से हिल रहे हैं। अब देखो एक बार देख सकते हैं, मेरी ट्राउज़र देखो और टी शर्ट देखो, इतनी ज़ोर से यहाँ पे हवा चल रही है, और मज़ा आ गया यहाँ पे हमें आने में। अभी अंधेरा हो चुका है एकदम, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी उड़ रही है। इस मिट्टी की ये खास बात है कि इतनी ज़्यादा नहीं उड़ रही, अगर हम ऐसे मारेंगे तो ये उड़ेगी,
चलो तो चलते हैं, अब यहाँ पे हमारे शूज है वो हम पहन लेते जल्दी से। तो अभी सुबह हो चुकी है, रात को हम यहीं सोए थे। तो अभी मैं एक बार ये गांव का आपको नज़ारा वापस से दिखा देता हूँ। बस अब घर के लिए निकल रहे हैं, तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।